हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयल वॉयजर। तो मैंने कल आपको बताया था कि मैं एक लेजेंड राइडर से मिलने वाला हूं और आप लोगों को भी मिलवाने वाला हूं। तो अभी मैं जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं उनका ऑफिस में, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। और कौन है वो कुछ ही देर के अंदर में आप लोग को पता चल जाएगा। मिलते हैं उनको ऑफिस में। तो मैंने बताया था आपको कि मैं मिलने वाला हूँ एक लेजेंड राइडर का साथ, जो इंडिया से लंदन तक मोटरसाइकिल लेके गया था। और मेरे साथ है प्रकाश जी, प्रकाश पटेल जी। ये है वो लेजेंड राइडर जो अहमदाबाद से लंदन तक मोटरसाइकिल लेके राइड करके गया था। तो थोड़ी बातें कर लेते हैं इनसे। और एक बात तो कहना चाहता हूँ कि प्रकाश जी दिल का राजा आदमी है। तो कैसा ख्याल आया? मतलब ख्याल तो देखो भाई, ये एक हमारे महेंद्र भाई पटेल है जिन्होंने ये मुझे बुक दिया था। ये गुजराती में है, पैडल पर पृथ्वी की परिक्रमा। और 1926 में 6 बाइसिकलिस्ट बॉम्बे से यानी मुंबई से वर्ल्ड टूर पे निकले थे। हम तो सिर्फ लंदन गए। ये 6 जैसे बोलते एडवेंचरर्स, ये लोग यूएसए तक पहुँचे थे। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर ये लोग साइकिल पे जा सकते हैं तो मैं बाइक पे तो जा ही सकता हूँ। और ये किताब मैंने 2 दिन में पढ़ी थी और दूसरे दिन रात को 3:30-4 बजे थे मुझे याद है। और वही टाइम पे मैंने डिसीजन ले लिया था, बोला मैं बाइक लेके लंदन जाऊँगा। और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं जो भी बेचना पड़ेगा बेचूँगा, 1 रुपये की स्पॉन्सरशिप भी नहीं लूँगा। और मैंने ली नहीं थी। और 2017 में बड़ौदा से कुमार भैया, उनके साथ जाने का मौका मिल रहा था। ईरान से जाने वाले थे हम, पर वो समहाउ हमारा वो ट्रिप कैंसिल हो गया। उसके बाद 2018 में मुझे याद है 21 फरवरी का दिन था वो, और एक मैसेज आया मेरे मोबाइल पे कि कोई ऐसा ग्रुप है जो दिल्ली से जा रहा है। और मैं बोला भाई मेरे को हिमालयन लेके जाना है तो मेरा सामान ज़्यादा होगा, बैकअप व्हीकल चाहिए। और उनके पास बैकअप व्हीकल पर व्हीकल भी था। तो देन वी हैव डिसाइड, 22 फरवरी को हमने डिसीजन ले लिया था। मेरे साथ हिरेन काका थे और हम दोनों ने डिसीजन ले लिया कि जाना है, कुछ भी हो जाए। और तैयारियां स्टार्ट कर दी और 24 अप्रैल 2018 को हम लोग अहमदाबाद से निकले। अहमदाबाद से हम लोग पहले गए कोटा, कोटा से गए कानपुर, कानपुर से गए अलीदुआरपुर, वहाँ से फिर बेगूसराय और अलीदुआरपुर, और देन हम गए गुवाहाटी। तो गुवाहाटी से आगे की स्टोरी में भी थोड़ी देर के बाद बता दूँ। तो फिर हम पहुंच गए गुवाहाटी, और गुवाहाटी से हम मणिपुर इम्फाल पहुंचे। इम्फाल से म्यांमार फर्स्ट कंट्री, यानी कि सेकंड कंट्री, इंडिया छोड़ के म्यांमार में घुसे। म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, लाओस के बाद चाइना। चाइना 6,500 किलोमीटर घूमे, 19 डेज हमने राइड किया। और चाइना इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री, बाकी कंट्री तो उससे भी अच्छी है, लेकिन चाइना भी एक बार देखने लायक ज़रूर है। फिर चाइना के बाद हम एंटर हुए किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूरोप। अब लास्ट में सिर्फ 40 किलोमीटर पे कैलिस, यानी पेरिस से लंदन, वो हमने बाइक हमारी सीट में रखी। बाकी 22,600 किलोमीटर बाइक हमने चलाई है 63 डेज में, और 17 कंट्रीज क्रॉस की है। ये जर्नी में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे प्लान किए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ इसके लिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये पूरी राइड हमने हमारे खर्चे से किया है,
कोई स्पॉन्सरशिप लिया नहीं है, और रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ ये बाइक की जो मेरी इंडिया की फर्स्ट डिलीवरी है, एंड रियली इट्स अ सुपर जर्नी। जिंदगी में एक बार कुछ भी हो, एक बार तो ऐसे कहीं पे भी दुनिया में, चाहे साइकिल पे करो, मोटरसाइकिल पे करो, कार में करो, पैदल करो, पर रोड पे घूमो, बस यही मेरा संदेश है। यस, ये बाइक की भी एक स्टोरी है भाई। ये बाइक मैं बहुत टाइम से बाइक लूँ, उस टाइम पे पैसे नहीं थे, और ये बाइक मैंने सैटरडे को लिया था, और मंडे को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लेने के लिए मैं मेरे कॉलेज गया था। मेरी जिद थी कि कॉलेज में बाइक लेके जाना है, और यही बाइक लेके मैं मेरी कॉलेज में गया था। एवरेज देती थी 65 की। फ्रेंड्स, ये जर्नी के लिए पैसे बहुत लगते हैं, और जरूरी नहीं सबके पास पैसे हो, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी चाहिए, और मैं तो लोगों से भी ये अपील करता हूँ, अगर आप खुद नहीं घूम सकते तो हमारे जैसे कोई भी बंदे घूम रहे उसको हेल्प करना चाहिए, और उनको भी आपसे जो हो सके वो योगदान दो। पैसे नहीं दे सकते तो उसको ताकत दो, रेफरेंसेस दो, लेकिन उसको स्पॉन्सरशिप के लिए थोड़ी मदद करो। ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो घूमना चाहते हैं लेकिन संभव पैसे मैनेज नहीं कर पाते। अगर हम नहीं देख पाए तो चलो उनकी आंखों से हम देख लेंगे, और कहीं ना कहीं आपको भी अंदरों अंदर खुशी होगी जब उसके वीडियोस देखोगे कि ये अलग कंट्री में इस तरह से घूम रहा है, कहीं ना कहीं हमारा कुछ योगदान इसके बीच में है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी जितना भी कर सके, एक रुपये से लेके स्काई इज द लिमिट। अभिजीत भाई, वैसे मैंने राइड ये 2009 से स्टार्ट किया था, एंड 9 से मैं देख रहा था। 2010 में मैंने पहली बार मैं गोवा गया अहमदाबाद से, लंबी राइड, वैसे छोटी छोटी आबू, ये 500 किलोमीटर की राइड, 1000 किलोमीटर से नीचे की राइड को मैं राइड नहीं कहता, ये मेरा पहले से एक उसूल था, और पहली राइड मैंने इसीलिए गोवा की। तो तब से मेरी राइड स्टार्ट हुई, और गोवा के बाद ले के बाद सिक्किम भूटान किया, सिक्किम भूटान के बाद ये चारधाम किया, फिर उसके बाद स्पीति किया, फिर वापस वाइट राइड की, बहुत सारी बार जैसलमेर गए। पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब जब मैं राइड करके वापस आता था, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता था, कुछ ना कुछ सोशल प्लानिंग भी करता था, कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक ही चलानी है, आई हैव टू बी अ सिंसियर राइडर, डिसिप्लिन राइडर। और धीरे धीरे ये डिसिप्लिन मुझे एक ऐसे मुकाम पे लेके गई, जो मैं आपने देखा अभी अहमदाबाद से लंदन तक बाइक लेने के लिए मैंने पिताजी को जब मैंने पूछा, तो ही गिव मी परमिशन इन 3 मिनट्स, 10 मिनट पूरी नहीं लगे। मतलब सुबह बोला, मतलब पापा जी मैंने बताया, जैसे 2 महीने में तो मैं जाना था, मेरे को 22 फरवरी को मैं तय कर चुका था मेरे को जाना है। देन पिताजी ने बोला कैसे जाएगा, पैसा मतलब फाइनेंस कर लूँगा, चिन्ह बोला हेल्थ, मतलब वो तो जिम जाता हूँ, दिक्कत नहीं है, बाइक तो ही मेरे पास, और बस उन्होंने तुरंत बोला। पहले की जो राइड्स की थी वो उसका हमारा डिसिप्लिन लेवल लेके, मेरा ग्रुप जो है GRMC गन राइडर मोटरसाइकिल क्लब, हमारे वहाँ कभी भी किसी को भी विदाउट हेलमेट, कभी लंबी राइड पे जाते हैं तो जैकेट्स है, नीगार्ड्स है, हेलमेट है, वो भी एक लेवल की, ऐसा नहीं है कि हेलमेट खाली दिखाने के लिए पहनना है, तो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी और हम कंपलसरी ही रखते। और ये सब देख के पापा जी को हमारे पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, और 3 मिनट के अंदर परमिशन भी दे दिया, भाई जा तू, कोई दिक्कत नहीं। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर लंबी राइड करना है आपको तो बी ए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और घर में सबको एक आप पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, ये लड़का जाएगा तो वापस ज़रूर आएगा। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी ये जैसे स्टंट बंट ये सब चीज़ें ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइन, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी लाइन नहीं है तो खाली ये गुजराती में भाषा में कहूँगा तो होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, यही है, यानी होशियारी आ गया मेरे ख्याल से, यानी स्टंट बंट की होशियारी, वो मेरा कहने का मतलब वो है, आप समझ रहे हैं, स्टंट बंट की होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। और जैसे ये राइड से मैंने क्या पाया, अब अहमदाबाद से लंदन तक राइड किया, पेट्रोल का धुआं किया नहीं, सिर्फ पेट्रोल का धुआं नहीं किया,
अहमदाबाद से लंदन जाने के बाद, वापस आने के बाद मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला, जैसे मेरी खुद की एक पहचान बन गई अहमदाबाद टू लंदन राइडर। मैं राइडर तो था ही, लेकिन अहमदाबाद टू लंदन राइडर की एक मेरी अलग से पहचान हो गई। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए न्यूज़ चैनल्स में, रेडियो से, सब जगह पे हमारे। लेकिन मेरी लाइफ में चेंज है कि 2019 में मेरे को लायंस क्लब अब कर्णावती, जो वर्ल्ड की बिगेस्ट क्लब है, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए मेरे को इनवाइट किया और मैं प्रेसिडेंट बना। और ये पूरा एक साल 2019 का बहुत मेरे लाइफ का एक अनमोल साल कह सकते हैं। जितना हो सके इतना सेवा का काम किया, नए नए प्रोग्राम्स किए, नई बहुत सारी चीज़ें भी जैसे इंट्रोड्यूस की। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि राइडिंग अकेला मेरे खुद की चीज़ नहीं है, राइडिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। आपने शायद मेरे फादर डॉटर का वीडियोस भी देखा है, नहीं देखा है। शादी है 22 फरवरी 2022 को, और मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि उसको कोई गिफ्ट दूँ। अब गिफ्ट में जैसे जवेरात है, मकान है, चीज़ें, वो तो सारे लोग देते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ दूँ जो मेरे खुद की है। और वो मुझे लगा वो सिर्फ और सिर्फ वक्त है, और बाइक मेरी प्यारी चीज़ है। तो मेरी लड़की के साथ मैंने जब वो छोटी थी तब राइड की थी, लेकिन उसके बाद कभी वो बाइक पर बैठी नहीं थी, और उसको कन्विंस करके तैयार किया और हम निकल पड़े। मैंने राइड सिर्फ 1784 किलोमीटर 1784 किलोमीटर्स की राइड की, हजारों किलोमीटर राइड किया अब तक, मोर देन 2.5 लाख किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ। लेकिन ये लेस देन 2000 किलोमीटर की राइड ने जो दिल को टच करने वाली राइड थी, मेरी डॉटर जिसकी शादी है उसके लिए गिफ्ट थी मेरी 15 दिन की। तो अभी निकल पड़े प्रकाश भाई के साथ थोड़ा अहमदाबाद सिटी को देखने, और अभी हम लोग आके पहुँचे हैं साबरमती नदी का किनारे में। ये है रिवर साइड, ये मेरा पीछे है, ये अलिस ब्रिज है, अहमदाबाद का सबसे पुराना ब्रिज। आज मेरे ख्याल से इसको 140 बरस हो गए, 140 ईयर्स। क्या नाम है ब्रिज का? अलिस ब्रिज। ओके। और ये चीज़ें अहमदाबाद की बहुत फेमस है, पतंग होटल, ये घूमती है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं ना टावर जैसा है, ये पूरा घूमती है। और ये है साबरमती नदी। भाई ये जो जगह थी, ये जगह पे एक जमाने में सिर्फ और सिर्फ कचरा इकट्ठा होता था, सिर्फ कचरा, क्योंकि ये नदी में जो भी अहमदाबाद का कूड़ा कचरा जो भी था, जो सिटी का था, वो सब यहीं पे डाला करते थे। आज यही रिवर को, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने अकेले ने मिलकर, लेकिन सारी जनता भी इसके साथ जुड़ी हुई है, और सब मिलकर अभी देखो ये यहाँ पे कल 2-4 साल के बाद स्पेशल ये चीज़ देखने के लिए आओगे। यहाँ रात का लाइटिंग भी देखने लायक होता है, और बढ़िया सा नीचे ये वॉकिंग ट्रैक बना है, यहाँ पे लोग सुबह में साइकिलिंग करते हैं। हर जगह पर डब्बे लगे ऐसे कूड़े कचरे का, आपको कहीं पर भी कचरा नहीं दिखेगा। यहाँ पे कुछ जगह पे पेड गार्डन भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे आपको 10 रुपया ऐसा 20 रुपया ऐसा टिकट लगता है और उसके बाद अंदर चल सकते हो। इतना बढ़िया था जैसा आपको लगेगा दूसरी कोई कंट्री में। सच में काफ़ी साफ़ सुथरा जगह है यहाँ पर, मतलब मेरे को अभी भी यहाँ पर एक भी कोई प्लास्टिक वगैरह ये सब पड़ा हुआ नहीं मिला, काफ़ी साफ़ सुथरा जगह है। और प्रकाश भाई बोल रहे थे एक टाइम में यहाँ पर पूरा कचरा पड़ा रहता था, देख के पता नहीं चल रहा। इवन मैं खुद यहीं पर रहता हूँ, ये मेरा ये घर है।
तो चलते हैं। तो अभी हम लोग दोनों लंच करने के लिए आए हैं कुणाल रेस्टोरेंट में और हम लोग खा रहे हैं छोले को छोले। ये अहमदाबाद का सबसे पुराना और बेस्ट रेस्टोरेंट है। अहमदाबाद में अगर कुणाल में नहीं आया तो कुछ नहीं खाया और ये छोले पूरी तो खानी ही चाहिए। और ऐसे भी मेरे को छोले पूरी काफ़ी पसंद है। अच्छा खा के देखते हैं यहाँ छोले पूरी जो भी आपको सच लगे वही बताना भैया। बिल्कुल मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं खाऊंगा। तो भाई लोग अभी हमें कुणाल रेस्टोरेंट जो अहमदाबाद का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है अभी विशाल भाई मैनी ये गन राइडर मोटरसाइकिल क्लब के फाउंडर मेंबर है और अनिल गर्ल साहब इनकी तो बात ही मत करो वेरी एक्सपीरियंस राइडर। तो ये हमारे GRMC का बैच स्टार्टेड एज अ पैशन फॉर राइडिंग विद फ्यू फ्रेंड्स। हम 10-12 लोग मिलते थे केतन भाई के वर्कशॉप पे और वहाँ से ये क्लब एक क्रिएशन है लाइक माइंडेड लोगों का अलग अलग फील्ड से जुड़े और हमने ये क्लब फॉर्म किया। आई थिंक गुजरात का तो 2001 में फॉर्म हो गुजरात का ओल्डेस्ट क्लब है इंडिया का भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब। और अनिल गोयल साहब आप राइडर्स कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहोगे इन अ वन लाइन? आई एम जस्ट 18 ईयर ओल्ड हेयर्स आर वाइट एज इज अराउंड 59 एंड आई व्हेन आई राइड माय बाइक आई ऑलवेज फील आई एम 18 ईयर ओल्ड एंड द बेस्ट पार्ट इज आई नेवर गो अबाउट 80 किलोमीटर पर आवर and I drive with the sunrise, I switch off my bike with the sunset and that's the key of my safe riding all over India, almost I have covered. Thank you. So, हमारे गोयल साहब के हिसाब से discipline is only, right? Yeah. I love making friends on the way, especially girlfriends. Thank you. So, दोस्तों, अभी मैं निकल पड़ा हूँ बाइक पे और गोयल जी के साथ मैं जा रहा हूँ। Sorry, not wearing a helmet. Just short distance, left in the office. तो ज़्यादा दूर जाना नहीं है, पास में ही है। तो चलिए आप लोगों को अहमदाबाद का कुछ अनोखा जगह लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। शहर को बताया था अहमद शाह ने इसीलिए अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद पड़ा। प्लेन का एयरपोर्ट मतलब सी प्लेन मतलब ये जो साबरमती नदी है ना नदी का ऊपर से प्लेन टेक ऑफ करता है और जाके स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाके लैंड करता है। वहाँ पर एक बड़ा सा लेक है उसमें लैंड करता है और फिर वहाँ से टेक ऑफ करता है यहाँ पर लैंड करता है। अभी फ़िलहाल कोविड सिचुएशन का वजह से ये अभी बंद है। मैं तो फिर मैं चढ़ के देखता है एक बार मैंने कभी लाइफ में सी प्लेन में नहीं चढ़ा था। समथिंग रियली गुड
It takes 40 minutes to travel almost from Ahmedabad to Kevadia is around 200 kilometers approximately. In 40 minutes, it reaches over there. And whole day you can do the sightseeing and by evening you can come back. So this is the fastest and unique way of seaplane. और अभी मैंने आपको जो एयरपोर्ट दिखाया उस एयरपोर्ट का बाद में जो स्टार्ट होता है ये एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है प्लांटेशन करके एक फॉरेस्ट वाला इफेक्ट लाने का डेवलप किया है और काफ़ी घना एकदम पेड़ वगैरह लगा हुआ है दोनों साइड में लगा हुआ है वॉट इज गोइंग टू बी देयर इट इज एवरीथिंग इज प्लान दिस इज द मैन मेड फॉरेस्ट एंड बिहाइंड दैट देयर इज अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑल सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी विल बी देयर अलॉन्ग बिहाइंड दिस फॉरेस्ट एंड इनसाइड दिस सो ऑल द प्लेयर्स कैन गेट अ फ्रेश एयर नेचुरल एयर और मेरे सामने ये जो देख रहे हैं ना ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मतलब कमाल का मैंने लाइफ में कभी इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं देखा और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये जगह है 100 साल से पुराना एक पुराना हॉस्पिटल था विच इज़ नोन एज VS हॉस्पिटल वाडीलाल साराभाई हॉस्पिटल उसको साइड पे रख के उसके एक्स्ट्रा स्पेस में ये नया स्पेस क्रिएट किया है एंड न्यू हॉस्पिटल इज बिल्ट अप और मेरा ये पीछे है सिटी सैयद जाली सिटी सैयद जाली तो क्या खासियत है इसका इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना का जो प्रेसिडेंट आया था उसको खुद ये दिखाने आए थे और ये वही जगह है और ये जो जाली है माइन्यूट जाली कारीगरी जो है सिंगल स्टोन से की गई है आई एन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद इफ यू सी द मोनोग्राम सेम जाली इज देयर ऑन देयर मोनोग्राम ऑल्सो विच यू कैन सी राइट ओवर देयर सेकेंड नंबर दिस वॉज बिल्ट इन अ मुगल एरा एंड वन ऑफ द यूनेस्को इम्पॉर्टेंट प्लेस आज का दिन काफ़ी अच्छा बीता प्रकाश भाई का साथ अनिल भाई का साथ सच में प्रकाश भाई अनिल भाई इन लोग दोनों इतना अच्छा इंसान है ना और बाइकिंग ब्रदरहुड क्या होता है ये सोलो राइड में निकलने से बाहर जब अलग बाइकर्स लोग से मिलते हैं ना तब पता चलता है थैंक यू सो मच प्रकाश भाई थैंक यू सो मच अनिल भाई आज का दिन इतना स्पेशल बनाने के लिए आज का ब्लॉग यहीं तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम Prepare to die.